हेलो दोस्तों, मैं हूँ एनिमी कोजो एंड आज मैं रिव्यू करूँगा टोक्यो गॉड फादर का। तो टोक्यो गॉड फादर ये 2003 की एनिमी मूवी है, 1 आवर 30 मिनट्स की, एंड ये मूवी बहुत अच्छी है, ये मैं अपना पर्सनली कह रहा हूँ। तो जब मैं मूवी के एनिमी स्टोरी प्लॉट की बात करता हूँ तो एनिमी की जो स्टोरी प्लॉट इन तीन जंग के ऊपर है जिसका नाम है हाना, गीज और मियुकी। ऐसे में तीनों ही बेघर है एंड तीनों ही अपने परिवार को छोड़ कर आए। तुम यह मत समझना कि एक परिवार के, ऐसे में अलग अलग परिवार के जो साथ में है। एंड ये जो जन है ऐसे में भिखारी की ज़िंदगी जी रहे, इन लोगों का खर्चा ऐसे ही चलता है एंड ये लोग कहीं ना कहीं से या तो किसी कचरे से उठा के अपना पेट भरते हैं। तो ऐसा ही एक दिन था और क्रिसमस का दिन था एंड ये लोग उसी कचरे में से को ढूंढ रहे होते जहाँ इनको एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। एंड वो बच्चा जब वो देखते तो असल में एक बच्चा था जिसको वो लोग ले लेते। वो लोग पुलिस को नहीं इसको सौंपते, वो ये सोचते कि वो इसके एक रियल पेरेंट्स को जाके देंगे और वो एक रीज़न सुनना चाहेंगे कि क्यों उन्होंने अपने बच्चे के साथ ऐसा किया, जिसके कारण वो अपने टोक्यो के अंदर एक सफ़र करेंगे एंड उसके एक रियल पेरेंट्स को ढूंढेंगे। एंड यही हमारी मूवी होती है पूरी। अब मैं मूवी का अपना एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगा। मूवी पूरी तरीके से एंटरटेन करती है, अपने कॉमेडी को भी रखती है, ह्यूमर को भी रखती है और एक्शन को भी रखती है। मूवी तुम्हें कहीं पे भी बोर नहीं होने देगी। अब आते हैं मूवी के अंदर एक अच्छा मैसेज जो हमें मूवी ने दिया, फैमिली इम्पोर्टेंस। ऐसे में मैं बात करूँ तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ऐसे में हमें यहाँ पे तीन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फैमिली इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो पहले मैं बात करूँगा गीज की, जो अपने परिवार को, असल में अपने परिवार को छोड़ कर आया है। उसने अपनी डॉटर और अपनी वाइफ को उसने छोड़ा है एंड उसके पीछे एक अलग स्टोरी, वो क्या सोचता है तुम्हें मूवी के अंदर पता चल जाएगा। एंड जब वो अपने फैमिली मेम्बर से मिलता है तब कुछ और ही होता है। एंड फिर मैं बात करूँगा मियुकी की, वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के इसीलिए आया क्योंकि उसने गलती से एक गलत काम कर दिया था एंड उसको ये लगता है कि उसके जो पापा है आई थिंक उसको पुलिस के अंदर डाल दे क्योंकि उसके पापा से पुलिस वाले हैं एंड वो उसको पकड़ना चाहते हैं। फिर मैं थर्ड कैरेक्टर की बात करूँगा, वो है हाना। हाना असल में शुरू से ही अनाथ है एंड जब वो अनाथ थी तो कोई एक ट्रांसजेंडर औरत थी जिसने उसको पाला और पोसा। यही कारण है कि जो हाना है वो भी असल में ट्रांसजेंडर वाली हरकतें करता है। असल में मैं खुद श्योर नहीं हूँ कि हाना असल में ट्रांसजेंडर है या फिर एक मेल है जो ट्रांसजेंडर वाली हरकतें कर रहा है। एंड अब बात करते हैं इस मूवी के अंदर जो मुझे अच्छा लगा, वो थी इसके अंदर पोयम लाइन। मूवी के अंदर तीन बार आई थिंक पोयम लाइन बोली गई है एंड इसकी जो फर्स्ट वाली पोयम लाइन जो बोली गई है दो लाइन वाली, वो असल में मूवी की एंडिंग ही है। आई थिंक मूवी की एंडिंग उसी के हिसाब से होगी जो फर्स्ट पोयम लाइन है जो मूवी की शुरुआत में तुम्हें सुनने को मिलेगी। और अब मैं बात करूँ इस बच्चे की, तो इस बच्चे को यहाँ पे ऐसा गॉड के जैसे दिखाया गया एंड ये बात सही भी है। बच्चे के अंदर ऐसी कोई तो बात है कि जिसको गॉड के जैसे बताया गया, क्योंकि ये जो तीनों हैं हमें गीज और हाना का नहीं पता कि उन्होंने कितने टाइम पहले अपने साथियों को, अपने परिवार वालों को छोड़कर आए हैं। पर मियुकी का हमें पता है कि मियुकी को आई थिंक 6 महीने हो चुके अपने परिवार को छोड़े हुए। अब इसके आगे की अगर मैं बात करूं, जब वो इस बच्चे के लिए निकलते हैं उसके सफ़र में, तो तीनों ही अपने परिवार वालों से मिलते हैं, उनकी एक मुलाकात होती है जहाँ उन्हें पता चलता है कि उनके परिवार वाले एकदम सही है एंड किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यही कारण है कि मूवी के अंदर इसको ऐसे गॉड बोला गया है एंड मूवी तुम्हें एंटरटेन करेगी, ह्यूमर देगी, बोर बिल्कुल ही नहीं करेगी, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बस आज के लिए इतना ही था। तो つまり俺たちはてめえの面倒一つ見られないろくでなしの仲良し三人組。十分やったじゃねえか。アクション映画の主役じゃねえ。僕たち年末の大掃除に来ました。ちょっと小さいか。クリスマスの奇跡だね。